ओम यजा महेश सुगंधिंग पुष्टिवर्धन मुर्वारुक में बंधनाथ मृत्युर्मोक्ष मामृतात्। ये है महादेव का वो धाम जिसे लोग धीमेश्वर धाम के नाम से जानते हैं और पूर्णिया जिला के बनवन की अवस्थित इस धाम की अलग महिमा है। और आज कुशियालों की टीम अपनी कार्यक्रम चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है के तहत धीमेश्वर धाम में मौजूद है। और यहाँ के भक्तों की भीड़ देख रहे हैं आप, जो लगातार बार बार जद्दोजहद के साथ दरवाजे से अंदर जा रहे हैं कि बाबा का एक दर्शन उनको मिल पाए और वो जल अर्पण कर अपने तमाम दुखों को अर्पित कर पाए। आइए हम चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है खास इस धीमेश्वर धाम में। आप देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ लगातार बाबा पर जल अर्पण करने के लिए ललायत है और एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, महिलाएँ पुरुष बच्चे सभी, सभी के मन में एक ही अभिलाषा कि बाबा का दर्शन हो और बाबा पर जलाभिषेक कर अपने दुखों को अर्पित कर सके। ये धीमेश्वर धाम हमेशा से यहाँ के लिए प्रासंगिक रहा है, एक मायनों में पूर्णिया जनपद क्षेत्र के लिए ये अपना बाबा धाम है जिसकी महिमा अपरंपार है और इसकी उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी अनुपम है। आइए हम देखते हैं भक्तों के इस जलाभिषेक पूजन अर्पण को और बाबा की महिमा को। महादेव के इस अद्भुत लिंग पर जल दुग्ध पान फूल का अर्पण करते भक्तों की भीड़ और बाबा का तेज लगातार बार बार लोगों पर पड़ता जा रहा है। और सावन के इस सोमवारी में लोग एक बार फिर अपने आप को यहाँ आकर धन्य पा रहे हैं, क्योंकि यूं ही सब सावन मास बाबा के लिए एक महत्वपूर्ण मास माना जाता है और ख़ास तौर पर सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए हर भक्त की एक अलग मनोदशा होती है। उनको लगता है कि आज के दिन बाबा खुश होंगे, बाबा भैरवनाथ खुश होकर, ओगरदानी खुश होकर उन्हें वरदान देंगे। और ये अपने आप में एक मायनों में अगर एक महत्वपूर्ण स्तंभ है इस कोसी जनपद के लिए, ये है धीमेश्वर धाम, जहाँ के जो ज्योतिर्लिंग को छूकर लोग अर्पित कर जल अर्पित कर आशीर्वाद लेते जा रहे हैं। लोगों की भीड़, लोगों की तादाद आप लगातार देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। दरवाजे से, एक दरवाजे से लोग निकल रहे हैं तो दूसरे दरवाजे से लोग आ रहे हैं। यहाँ के मंदिर के संचालक भी लोगों के बीच पूरी तन्मयता के साथ पूरे ये कोशिश में लगे हुए हैं कि बाबा का दर्शन हर भक्तों को हो और बाबा हर एक को आशीर्वाद दें। इसलिए सुचारू रूप से दो दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों से, एक दरवाजे से लोग आते हैं और दूसरे दरवाजे से दर्शन कर यहाँ से प्रस्थान करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बाबा धीमेश्वर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आने वाला कल सुनहरा होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ के कर्मी भी तत्परता के साथ भक्तों को कोई कष्ट ना हो उसके लिए लगे पड़े हैं और बाबा जल अर्पित लेकर, जल का अर्पण पाकर खुश होकर भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में बार बार अपना तेज बिखेर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाबा के दर्शन के लिए एक तरफ नन्हा बच्चा ललायत है तो दूसरी ओर उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़ी माता जी भी इस उम्मीद के साथ, तत्परता के साथ बढ़ी चली जा रही है कि बाबा के दर्शन कर, धीमेश्वरनाथ के दर्शन कर, जल अर्पण कर वो अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे और अपनी बाद की पीढ़ियों को एक सुनहरा भविष्य देने के लिए बाबा का आशीर्वाद अर्जित कर पाएंगी। यहाँ ना कोई उम्र की सीमा है, ना ही कोई रस्मों का बंधन, केवल एक ही उपासना, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय धीमेश्वरनाथ। जल दुग्ध धूप पान फूल का अर्पण और बाबा के मस्तक को छूकर आशीर्वाद की प्राप्ति करते लोग, साथ में बाबा धीमेश्वरनाथ से लिपटे नागराज भी लोगों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में, सामने माँ पार्वती और सबों का आशीर्वाद साथ साथ, दूर दराज से चलकर लोग मनिहारी से जल भरकर अर्पण के लिए धीमेश्वर धाम में, अपने इस धाम में। लोग कहते हैं कि सावन मास में इस धाम की पूजा का एक अलग महत्व है, इस पूजा से, इस बाबा धीमेश्वरनाथ की पूजा से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, चाहे वो मनोकामना अपने लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, या फिर किसी भी क्षेत्र के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, हर एक मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यहाँ के भक्तों की तादाद को देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा धाम ही की तरह यहाँ भी कांवरियों का जत्था आता है और जल चढ़ाकर बाबा से आशीर्वाद पाता है। बोल कांवरिया बोल बम। आप देख रहे हैं कि बाबा के भक्तों की भीड़, बोल कांवरिया बोल बम के नारे बाबा धाम के द्वारे और लोग नाचते कूदते ये कांवरिया आए हैं बाबा धीमेश्वर धाम में लोगों के बीच पूजा अर्चना के लिए। इनके अंदर का उमंग, इनके अंदर का उमंग देखते बन रहा है।
आप देख रहे हैं कि धीमेश्वर धाम के इस परिसर में कांवरियों के बीच क्या जुनून है, क्या जलवा है। शंख नहीं है लेकिन फिर भी वो शंख ध्वनि का प्रयोग अपने पीपी तुरही बाजा से कर रहे हैं और बाबा के द्वार में जल चढ़ा रहे हैं, अपनी भक्ति अपनी उन्माद का प्रदर्शन कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 12 ज्योतिर्लिंग के समान माने जा के साथ साथ दुनिया में जो और भी कई महादेव है जो ज्योतिर्लिंग के समान माने जाते हैं उसी में से एक इस महाधीमेश्वर धाम में आकर उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी और वो बाबा को जल अभिषेक कर उतना ही पुण्य कमाएंगे जितना कि बाबा धाम में जल अभिषेक करके कमाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद इन कांवरियों से कि क्या कुछ इनके मन में भाव है और क्यों ये कोई मनिहारी गंगा से तो कोई सुल्तानगंज से तो कोई कारागोला से जल भर भर कर यहाँ आ रहे हैं और बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। आइए बात करते हैं धीमेश्वर धाम के कांवरिया से। हाँ आप बताइए कि इस बाबा के दरबार में आने की के पीछे मकसद क्या है और कहाँ से जल भर कर आए हैं आप लोग? हम लोग मनियारी से आए हैं सभी कांवरियन जो हैं और पहले गए सिंहेश्वर स्थान, उसके बाद धीमा आए, ये लगभग 3 बार हो गया हम लोग का आना और फिर ऐसे ही आते ही रहेंगे। हाँ तो क्या लगता है कि बाबा धाम के बाद इस धाम में आने का क्या महत्व है? जो मन में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। धीमेश्वर धाम के महिमा के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे जानते हैं कि बहुत दिनों से ये प्रसिद्ध रहा है और कोई भी भक्त आता है मनोकामना मांगने के लिए उसका पूरा हो जाता है, इसलिए यही से प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि के बारे में क्या कहानियाँ सुन रखी है आप लोगों ने? हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली मंदिर है यह, जिस कारण से लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनका पूरा होता है। क्या आपरूपी है, क्या कहानी जानते हैं आप इसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में? आपरूपी ये है कि इसको जो है ना अपने से कोई ग्रसित नहीं किया है, ये अपने आप जो है कि हुआ है। आप देख रहे हैं कांवरियों के भक्त में इसके इस मंदिर के प्रति आस्था अपरंपार है और ये लोग कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति की कहानी जो है वो बड़ी हमेशा से प्रसिद्ध रही है कि ये स्वयं उत्पत्ति महादेव है और इस यहाँ आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अंदर वो शक्ति है जो भक्तों के तमाम दुखों को हर लेती है। गेरुआ परिधान का शिव की महिमा में एक अलग महत्व रहा है। गेरुआ रंग का, इस रंग का से शायद कहते हैं कि शिव हमेशा खुश रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि एक बहन से कि वो क्यों आई है और क्या महिमा है इसके पीछे। हम मिर्जापुर कोठी से आए हुए हैं, इसे हम जानते बहुत दिन से पहले जानते थे कि धीमा मठ बहुत अच्छा मंदिर है, इसीलिए हम आए। क्या महीना में? सावन में आए, जल भी चढ़ा लिए, घूम भी लिए। क्यों आते हो धीमेश्वर? पूजा करने के। किसके कहने? दादी कहती है, माँ कहती है, कौन कहती है? क्या आप देख रहे हैं कि बाबा धीमेश्वर धाम के एक दरवाजे से लोग आ रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मनोकामनाएं रख रहे हैं और फिर सामने जो आप देख रहे हैं कि एक विशाल नंदी विराजमान है, उस नंदी का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि शांति के प्रतीक माने जाने वाले एक कबूतर बाबा के दरबार में विराजमान है। कहते हैं जिस दरबार में शांति के प्रतीक कबूतर हो उस दरबार के एक अलग ही लक्षण होते हैं, उस दरबार की एक अलग ही महिमा होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार उड़ते परिंदे शांति के प्रतीक के कबूतर कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं यहाँ के भक्तों को और यहाँ के भक्त लगातार एक उन्माद, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, सबके अंदर एक उन्माद कि बाबा का दर्शन, बाबा के लिए कि भक्ति का वो एक विशेष ज्वार और नंदी का आशीर्वाद पाने की होर। आइए हम ले चलते हैं आपको इसी धीमेश्वर धाम के पवित्र स्थल पर विराजमान एक दूसरे मंदिर की तरफ।